केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद किसान संगठन सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता दीप सिद्धू अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे। दीप सिद्धू ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली के बॉर्डर में किसान संघर्ष एक साल से अधिक समय से चल रहा था। उस संघर्ष में कई उतार चढ़ाव आए। चिलचिलाती धूप में दिन रात सीमा पर बैठे किसानों के साथ संघर्ष कर जीत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि किसान 3 कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करके पंजाब आए हैं, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू का पहले भाजपा से कोई संबंध नहीं था, इसीलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आगे व्यापार के लिए सनी देओल के अभियान में योगदान दिया था। कॉरपोरेट घरानों को खुश करने के लिए सरकार निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खोल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई निर्णय लेते हैं तो संबंधित विभाग से कोई बात नहीं करते हैं। बिल्कुल उदों ही हो गया सी जदों मैं सारी जिहड़ी उन्हां दी पॉलिटिक्स आ सेंटर दी उहदे उल्ट स्टैंड लै गया सी। हुण उह तुसीं बड़े क्लोजली उदों मैनूं वॉच भी कीता। मेरा रिश्ता सिर्फ सनी देओल बाई नाल सी, बीजेपी नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं सी। उन्होंने उस वेले जोर भी ला लिया भी मैं बीजेपी ज्वाइन करा। मेरी कोई बीजेपी नाल ना एसोसीएशन रही है ना मैं कदे ज्वाइन की आ। सनी देओल नूं मैं आपदा भरा मानदा सी, मैनू छोटा भरा मानदा सी, ते मैं सनी देओल बाई लई आ के चोणां च उहदे लई खड़ गया सी, है ना। पर ये गल्लां तां बड़े समय तो आपां स्पष्टीकरण देले प्रतक कर लईआं। हुण अपना स्पष्टीकरण देण दा टाइम नहीं है, हुण तां सवाल पुछण दा टाइम आ। नेक्स्ट की रहेगा जी, सोशल मीडिया दी गल करिए, सोशल मीडिया ते भावे बहुत कुछ आ चुका, किते किसानी संघर्ष दे उत्ते फिल्म बनण दी लोड़ है। देखो फिल्म किसानी संघर्ष ते ओह बंदा बनावे जिहड़ा पहलां इंटलैक्चुअली इहनूं एनालिसिस करे भी किवें संघर्ष चलिया, इहदियां परतां की आ, इहदियां गलाइयां की आ। तुसीं उही बिना स्टडी तों ओह गलाइयां नूं जांचे परखे बिना जे तुसीं फिल्म बनाओगे ते तुसीं किवें एनालिसिस कर सकदे हो। उहदे लई तुहानूं इहदा अनुभव होना भी जरूरी है किसानी संघर्ष दा, ते तुहाडे कोले आपदा कोई इंटलैक्चुअल कैलिबर होना भी बड़ा जरूरी है, दोनों दोनों का समेल। हाँ जी हाँ जी, देखो फिल्म मैं कोई दावा नहीं कर रहा भी फिल्म बनावांगे, पर किसानी संघर्ष का मुढ़ कितों बजया है ना। एक गल मैं करनी चाहना, इनू बड़े ध्यान नाल आपां सुनीए। किसानी संघर्ष इस वड्डे लैवल ते जाके लामबंदी क्यों होई किसानी संघर्ष दी। आओ जी आओ जी आओ जी बाबा जी आओ जी नवीन सिंह जी प्लीज़ प्लीज़ आओ। तो ये तां होई क्योंकि ये प्रोपगंडे का संघर्ष नहीं सी, ये प्रस्पेक्टिव का संघर्ष सी। जिहड़े प्रोपगंडे के संघर्ष होंदे ना वो इंडिया लंबे नहीं टिकदे होंदे। इत्थे असीं एक प्रस्पेक्टिव लैके गए भी साडे नाल उह धक्का कर रहे आ, साडी स्पेस च आ के किसानां दी स्पेस च आ के वह नवें कानून बना रहे आ जिहड़ा स्टेट सबजैक्ट आ, ते इस ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਸਪਿਰਿਟ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਲੜਾਈ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਸ਼ਕਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲਾਈਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ